डियर स्टूडेंट्स वेलकम इन दिएक्शन मैकेज ऑफ ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस तो प्यारे बच्चों आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस के रिएक्शन मैकेज को स्पेशली इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि एसिड हाइड्रोलिसिस कहलाती है या एक्वेशन रिएक्शन कहलाती है तो जो जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो मैंने आपको इसके लेक्चर वन में दिया था जहाँ पर आपने देखा था कि जो रिएक्शंस हैं वो दो मैकेनिज्म से हो सकती हैं ऑक्टाइट्रल कॉम्प्लेक्सेस में थ्रू एस एन वन मैकेनिज्म एंड एस एन टू मैकेनिज्म एंड एस एन वन मैकेनिज्म के थ्रू जब रिएक्शन होती है तो दो तरीके के इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल और ट्राइगनल बाई और अगर एस एन टू मैकेजमें के थ्रू रिएक्शन होगी तो दो तरीके के इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं एक था ऑक्टाहेड्रल वेज और दूसरा है पेंटागनल बाई उसके बाद पर जो आपने देखा कि जो कौन से कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो कि लेबाइल होंगे कौन क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा जिनमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आसान होगा उसको हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था जहाँ पर हमने क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया था और उससे हमें पता चला था कि जहां पर भी क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव या जीरो होगी वहां पर सब्सटीट्यूशन आसान होगा और जहां पर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी वहां पर सब्सटीट्यूशन आसान नहीं होगा इसलिए अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स है अगर सी एफ ए की वैल्यू नेगेटिव है या जीरो है तो वो एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स है तो जब हम सब्सटिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे तो वो हम पढ़ते हैं जो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस होंगे दे विल शो दब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अगर हम एक्वेशन रिएक्शन की बात करें या फिर हाइड्रोलिसिस एसिड हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये एक लिगेंड को कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स में से क्या कर रहा है रिप्लेस कर रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्स है जिसको ये रिप्लेस कर रहा है और जो एच टू है जो वाटर है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर इस लिगेंड को रिप्लेस करके सब्सटीट्यूट हो गया तो अगर हम इस रिएक्शन को पढ़ना चाहते हैं तो हमें दो लिगेंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए एक वो लिगेंड जो कि यहाँ रिप्लेस हो रहा है और दूसरा वो लिगेंड जो कि यहाँ पर एंटर कर रहा है एक तो रिमूव हो रहा है और एक क्या कर रहा है एंटर कर रहा है इस ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन स्फेयर में तो हम दो तरीके के लिगेंड्स देखेंगे यहाँ पर ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स में एक वो लिगेंड जो कि एक्टिव होता है उसे हम एक्टर लिगेंड भी कहते हैं एक्टर लिगेंड मीन्स विच इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है मेटल कॉम्प्लेक्स का अगर हम लिगेंड देखें अगर हम मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर देखें तो दो तरीके के लिगेंड हैं एक वो लिगेंड जो कि जो रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है जो कि एक्स है यहाँ पर ये देखिए एक्टिव है ये पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए ये एक्टर लिगेंड है या एक्टिव लिगेंड है यह हम इसे लिविंग लिगेंड भी कह रहे हैं क्योंकि ये इस कॉम्प्लेक्स को लीव कर रहा है तो ये एक लिविंग लिगेंड है दूसरा जो लिगेंड इसमें ए है और ए को अगर आप देखेंगे ये लिगेंड कैसा है ये इनएक्टिव है ए फाइव थे और ए फाइव ही रहे आफ्टर रिएक्शन तो इस लिगेंड को हम क्या कहेंगे इनर्ट लिगेंड इसको हम स्पेक्टेटर लिगेंड भी कहते हैं स्पेक्टेटर लिगेंड मीन द लीगेंड विच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन रिएक्शन जो कि में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और इसे हम नॉन लिविंग लिगेंड भी कहेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स को छोड़ के नहीं जा रहा है तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें जो मेटल कॉम्प्लेक्स है उसके लिगेंड को हमने दो भागों में डिवाइड किया ए एक लिगेंड कौन सा है एक लिगेंड है ए और ये जो लिगेंड है ये लिगेंड कैसा है बच्चों ये लिगेंड है जो कि स्पेक्टेटर लिगेंड है ये स्पेक्टेटर लिगेंड है और एक्स जो है वो एक्टर लिगेंड है यानी ये लिविंग लिगेंड है और ये नॉन लिविंग लिगेंड है तो ये टर्म आप बार बार सुनेंगे कि ये इनर्ट लिगेंड की बात करेंगे और हम एक लिविंग लिगेंड की बात करेंगे एक्वेशन रिएक्शन में या किसी भी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में ये दो बातें हम करेंगे क्योंकि एक छोड़ के जाएगा और कुछ लिगेंड वहीं पर रहेंगे तो इस तरीके से हम लिगेंड्स को डिवाइड कर सकते जो ऑक्टा कॉम्प्लेक्स है वो भी हम तीन तरीके के पढ़ेंगे जो कि एक्वेशन रिएक्शन शो करते हैं तो इस जो लेक्चर है इसमें हम एक टाइप का ऑक्टा कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे ऐसा ऑक्टा कॉम्प्लेक्स जहां पर नॉन लिविंग लिगेंड नॉन लिविंग लिगेंड मीन इनर्ट लिगेंड जो इनर्ट लिगेंड है लिविंग लिगेंड की बात नहीं कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं इनर्ट लिगेंड की तो जो इनर्ट लिगेंड होगा वो कैसा होगा वो न तो पाई डोनर होगा और न ही पाई एक्सेप्टर होगा तो जो नॉन लिविंग लिगेंड है उसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ए की बात कर रहे हैं जो ए है वो नॉन लिविंग लिगेंड है और उसकी बात कर रहे हैं कि वो न तो पाई डोनर होगा और ना ही पाई एक्सेप्टर होगा तो उसमें एक्वेशन रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू होगी ये हम बात करना चाह रहे हैं तो ये हमने पहले टाइप का ऑक्टाहीटल कॉम्प्लेक्स डिस्कस करा है इस लेक्चर में तो यहां पर देखिए अगर एस एन वन मैकेनिज्म होती है तो क्या होगा यहां पर आप देखिए एम ए फाइव एक्स टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें से पहले एक्स रिमूव होगा यानी एस एन वन मैकेज होगी और उसके बाद जो ये फाइव कोऑर्डिनेटेड है जनरली जो की क्या होती है जो की स्क्वायर पिरामिडल होती है एनर्जी फैसिलेशन uh, के अनुसार उसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ एड होगा एसोसिएशन होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा अगर हम एस एन टू मैकेनिज्म देखें तो एस एन टू मैकेनिज्म होगा कि ये जो ऑक्टा कॉम्प्लेक्स है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद ये बना देगा एक सेवन कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज इंटरमीडिएट जो कि जनरली ऑक्टाहाइड्रल वेज होता है जो ये जो एनर्जेटिकली फेवरेबल इंटरमीडिएट है आप देख सकते हैं ए फाइव एक्स और एच टू ओ भी यहाँ पर जुड़ गया एसोसिएशन स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और सेकंड स्टेप में क्या होगा जो लिविंग लिगेंड uh, है वो यहाँ से डिसोशिएट हो जाएगा इस तरीके से क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बनेगा तो अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को देखें तो अगर आप पहली रिएक्शन को देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर इस इस कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है अगर हम एस एन टू रिएक्शन है वो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर करेगा करेगा और water के ऊपर जो कंटेंट है वो कॉन्स्टेंट अगर है तो अगेन रेट किस पर डिपेंड करेगा केवल एम ए फाइव एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा तो आप देखेंगे दोनों ही केस में चाहे एक्वेशन रिएक्शन ऐसे केस में जहाँ पर ऑक्टा कॉम्प्लेक्स में न तो लिविंग लिगेंड पाई डोनर है और ना ही पाई एक्सेप्टर है ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो एम ए फाइव है ये क्या होगा बच्चों ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है चाहे वो एस एन वन के थ्रू हो या एस एन टू के थ्रू हो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसकी कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा तो पता नहीं चल पाएगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म एस एन वन है या एस एन टू है तो ऐसे केस में कुछ फैक्टर कंसीडर करने होंगे और वो फैक्टर्स बताएंगे कि जो इक्वेशन है ऐसे कॉम्प्लेक्स का वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां पर नॉन लिविंग लिगेंड ना तो पाई डोनर है ना ही वो पाई एक्सेप्टर है तो उस केस में मैकेनिज्म को कौन डिसाइड करेगा डिसाइड करेंगे कुछ फैक्टर्स ठीक है तो एस एन वन मैकेनिज्म होगा या एस एन टू मैकेनिज्म होगा उसको जो इफेक्ट करेंगे कुछ फैक्टर्स होंगे उनमें से पहला फैक्टर है चार्ज ऑन ऑक्टाहीटर कॉम्प्लेक्स ओके तो जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है या इक्वेशन रिएक्शन का जो रेट है सीओ थ्री कॉम्प्लेक्स का वो किस पर डिपेंड करता है ऑक्टा हिटल कॉम्प्लेक्सेस का जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑन द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स तो वो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा डिक्रीज होगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स हैं एक कॉम्प्लेक्स सेम कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन अंतर किसका है चार्ज का यहाँ पर दो सी एल टू है और यहाँ पर चार्ज क्या है प्लस है यहाँ पर एक सी एल है और चार्ज क्या है प्लस टू तो यहाँ पर जो x है वो है लिविंग लिगेंड और जो en है वो है नॉन लिविंग लिगेंड en का नेचर ना तो पाई बॉन्डिंग का अधिक होता है और ना ही पाई डोनर का होता है इसलिए ऐसे केस में क्या होगा कि आप देखेंगे हम चार्ज से डिसाइड कर सकते हैं कि जहाँ पर चार्ज अधिक होगा वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होगा तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं जहां पर चार्ज होगा चार्ज अधिक होगा मतलब जो लिविंग लिगेंड है उसको वो टाइटली बाउंड करेगा चार्ज अधिक है पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड कैसा है लिविंग लिगेंड वो जो है जनरली या तो डाइपोलर होता है या वो नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से लिविंग लिगेंड इस मेटल के साथ टाइटली बाउंड हो जाएगा और अगर टाइटली बाउंड होगा तो इसका निकलना कठिन होगा जबकि यहां पर क्या है एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज है इसलिए क्लोरीन क्लोराइड जो है इतना टाइटली बाइंड नहीं होगा जितना प्लस टू चार्ज के केस में ये बाइंड होगा तो इसका मतलब आप हाँ ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है यानी सीएल का निकलना कठिन है Cl- माइनस का निकलना कठिन है अगर चार्ज अधिक होगा तो Cl- माइनस का कठिन क्यों है Cl- माइनस निकलने का मतलब है कि रिएक्शन एस एन वन मैकेनिज्म के थ्रू हो रही होगी क्योंकि जो जो Cl- माइनस का निकलना है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होगा और वो स्टेप क्या है वो स्लो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो जो स्टेप है वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम है इसका रेट ऑफ रिएक्शन अधिक है क्यों इसका मतलब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वहाँ पर ये जो सी एल है उसका निकलना जो है कठिन है वो उतना आसानी से नहीं निकल रहा है जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जहाँ पर सी का निकलना होगा यानी ये फाइव कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज में कन्वर्ट होगा तो ये किसकी वजह से होता है एस एन वन की वजह से तो वजह से तो इसका मतलब है इस तरीके के कॉम्प्लेक्स में जो रिएक्शन होगी वो वाया एस एन वन मैकेनिज्म होगी क्योंकि ये Cl के निकलने को अफेक्ट कर रहा है डिटरमाइनिंग स्टेप में देन आप देखिए बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप अब हम लिविंग ग्रुप की ही बात कर रहे हैं और यहाँ भी आपने देखा हमने हमने लिविंग लिविंग ग्रुप ग्रुप की 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 बात की, की बात तो नहीं करी एक्चुअली चार्ज की बात करी अब यहां पर हम कह रहे हैं कि जो बेसिसिटी है है लिविंग ग्रुप की उस पर डिपेंड करता है। अब जो बेसिसिटी होगी लिविंग ग्रुप अब लिविंग ग्रुप जितना बेसिक होगा बेसिक होना मतलब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जितना बेसिक होगा उतनी आसानी से ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल एटम को देगा तो ये जितनी आसानी से देगा उतना मजबूत होगा बॉन्ड कोबॉल्ट और लिगेंड के बीच में लिविंग लिगेंड के बीच में और जितना मजबूत ये बॉन्ड होगा उतनी मुश्किल से ये एलर रिलीज होगा तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे जो बेसिसिटी है लिविंग लिगेंड की वो बढ़ती है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाता है तो एल का निकलना मतलब एस एन वन मैकेज से रिएक्शन होना पहले ही स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एल का निकलना मतलब एस एन वन तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे अगर आप सी एफ थ्री को देखें तो अगर आप सी एफ थ्री को देखेंगे तो सी एफ थ्री में एफ क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मतलब ये अच्छा बेस नहीं है ये अच्छा लिविंग ग्रुप अच्छा बेस नहीं है ये लिविंग ग्रुप जबकि ये वाला जो लिविंग ग्रुप है यहाँ पर सी एस थ्री ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा बढ़ा देगा तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बेसिसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है और जैसे जैसे बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है हाइड्रोलिस का जो ऑर्डर है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है

रिएक्शन होती है जब हम बात करेंगे सीओ और एल के बीच के जो बॉन्ड की स्ट्रोंगनेस या वीकनेस की बात करेंगे और हम कहेंगे कि जो 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 रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है वो तो एल का निकलना यानी पहले स्टेप में एल का निकलना मतलब SN1 मैकेनिज्म तो आप देख सकते हैं जैसे-जैसे लिविंग ग्रुप की बेसिसिटी बढ़ रही है वैसे-वैसे रेट ऑफ हाइड्रोलीसिस क्या हो रहा है कम हो रहा है तीसरा फैक्टर आप देखेंगे स्टीरिक इफेक्ट ऑफ नॉन लिविंग पाइडेंटेड लिकेंड अब हम नॉन लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं जो निकल नहीं रहा है पहले हमने चार्ज की बात की फिर हमने लिविंग ग्रुप की बात की अब हम बात कर रहे हैं उस लिगेंड की जो कि इनर्ट है जो कि नॉन लिविंग लिगेंड है और जो पाइडेंटेड ड है तो आप देखेंगे अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये सबसे कम बल्कि है यहाँ पर अगर मैं इस सी एच टू के एच को रिप्लेस कर दूँ सी एस थ्री से और फिर दूसरे सी एच टू के भी एच ग्रुप को सी एस थ्री से रिप्लेस कर दूँ तो आप देखेंगे जो हाइड्रोलिस का ऑर्डर है वो इंक्रीज होती जाएगा जैसे जैसे स्टेरिक इफेक्ट बढ़ेगा यदि बल्कीनेस बढ़ रही है ग्रुप्स में वैसे वैसे आप देख रहे हैं हाइड्रोलिस का जो रेट है ऑर्डर है वो भी इंक्रीज हो रहा है तो जैसे जैसे, जैसे नॉन लिविंग या इनर्ट लिगेंड का स्टेरिक इफेक्ट बढ़ेगा, क्राउडिंग बढ़ेगी, वैसे-वैसे आप देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये निकालने में हेल्प कर रहा है तो इसलिए ये रिएक्शन इसका मतलब एस एन वन मैकेजमेंट के थ्रू होती है तो इसका जो स्टेरिक फैक्टर है वो के लिविंग को इफेक्ट करता है जितना बल्कि होगा उतनी आसानी से सीएल रिलीज होगा सीएल का रिलीज होने का मतलब कि पहले स्टेप में सीएल निकल रहा होगा और रिएक्शन एस एन वन के थ्रू हो रही होगी फिर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ इनर्ट लिगेंड तो अगर हम इनर्ट लिगेंड को देखें इनर्ट लिगेंड की जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो भी अफेक्ट करते हैं जो एस एन वन या एस एन टू में को है तो आप देखिए ये एक नॉन लिविंग लिगेंड है और ये एक लिविंग लिगेंड है अब ये जो नॉन लिविंग लिगेंड है अगर ये बेसिक होगा नेचर में बेसिक नेचर का मतलब है कि इस पर इलेक्ट्रॉन सफिशियंट है तो ये बेसिक है नेचर में इसमें इलेक्ट्रॉन सफिशियंट है तो ये आसानी से क्या करेगा मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा इस तरीके से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन जब ये देगा तो ये बॉन्ड को क्या करेगा मजबूत करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है जो कि क्या करता है एम और एल के बीच के बॉन्ड को क्या करता है वीक करता है तो इसको तो ये फैसिलिटेट करता है इस इस बॉन्ड को तो स्ट्रॉन्ग करेगा लेकिन इस बॉन्ड को क्या करेगा वीक कर देगा और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है वो आसानी से रिलीज हो जाएगा तो ये जो इस तरीके के केस में जो रिएक्शन होगी वो एस एन टू मैकेजमेंट के थ्रू होगी क्यों होगी क्योंकि ये जो नॉन लिविंग एलिगेंट है इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये डोनर ये डोनेट दोन, करेगा मेटल और ये जो मेटल सेंटर है इसमें से एल का निकलना आसान हो जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लिगेंड लेके क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा क्योंकि इस डोनेशन की वजह से मेटल पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी और ये नहीं कोशिश करेगा कि इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़े और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां लिगेंड को डोनेट करके ये लिगेंड जो है वो आसानी से डिसोशिएट हो सकता है तो ये एस एन वन मैकेज होगी अगर इसके कंट्रास्ट में अगर आप देखेंगे ये जो एक्स है अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है अगर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है तो क्या होगा कि ये क्या करेगा कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है विड्रॉ करने की वजह से क्या होगा कि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये लिगेंड आसानी से नहीं निकल पाएगा ये बॉन्ड क्या होगा स्ट्रेंथन होगा और यहाँ पर क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहां पर एक दूसरा जो न्यूक्लियो है वो आसानी से अटैक कर सकता है जुड़ सकता है तो आप देख रहे हैं कि जो एक न्यूक्लियो है वो इजिली जुड़ रहा है तो मतलब इसका जो यहाँ पर जो छह कोऑर्डिनेशन नंबर था वो किसमें कन्वर्ट हो गया सात कोऑर्डिनेशन नंबर यानी ये जो मैकेनिज्म होगी ये एस एन टू मैकेज होगी तो आप देखेंगे जो इनर्ट जो लिगेंड है उसकी बेसिसिटी पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन एस एन वन के थ्रू होगी एस एन टू के थ्रू होगी एस एन वन के थ्रू तब होगी जब ये जो नॉन लिविंग इनर्ट लिगेंड है ये बेसिक होगा नेचर में तो ये एल आसानी से निकल जाएगा और अगर ये बेसिक नहीं होगा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो ये मेटल पर इलेक्ट्रॉन की करेगा, से आसानी से इस मेटल पर करेगा और ये एस एन टू ये वाई का एडिशन हो जाएगा एडिशन हो जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा और ये जो रिएक्शन है ये एस एन टू के थ्रू होगी तो ऐसे केसेस में जहां पर नॉन लिविंग ना तो पाई ओनर है और ना ही पाई एक्सेप्टर है उनके केस में अगर हमें पता लगाना है कि रिएक्शन एस एन वन के थ्रू होगी एस एन टू के थ्रू होगी तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो एक बार मैं फिर से इसका रिविज़न आपके सामने करना चाहूँगी कि एक्वेशन रिएक्शन एसिड हाइड्रोलिसिस की बात हम कर रहे हैं और हम उस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं नॉन लिविंग लिगेंड जो है वो न तो पाई ओनर है और न ही पाई एक्सेप्टर है उससे पहले मैंने आपको बताया कि इस कॉम्प्लेक्स में दो तरीके के लिगेंड होंगे जब हम सब्सिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे एक एक्टिव लिगेंड होगा लिविंग लिगेंड होगा एक्टर लिगेंड होगा जो कि यहाँ पर एक्स है और एक होगा नॉन लिविंग लिगेंड और इनर्ट और स्पेक्टेटर लिगेंड जो कि पर ए है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो मैकेनिज्म से हमने एक्वेशन रिएक्शन शो करने की कोशिश की लेकिन नहीं पता चल पा रहा है कि रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू होगी इसलिए इनके लिए हम क्या करते हैं कुछ फैक्टर्स को लेके चलते हैं कि जो चार्ज है ऑक्टा कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर वो अधिक है तो रिएक्शन मैकेनिज्म एस एन वन के थ्रू होगी अगर ये बेसिसिटी जो लिविंग ग्रुप है अगर उसकी बेसिसिटी बढ़ेगी तो उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा और ये रिएक्शन इसका यह बताता है कि जैसे जैसे बेसिसिटी बढ़ेगी लिविंग ग्रुप की वैसे वैसे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस डिक्रीज होगा इसका मतलब रिएक्शन एस एन वन मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है स्टेरिक इफेक्ट देखें अगर हम नॉन लिविंग लिगेंट के जो कि इनर्ट लिगेंट था तो जैसे जैसे इसमें बल्किनेस बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी इसका मतलब रिएक्शन एस एन वन मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखेंगे यानी बेसिक नेचर ऑफ अगर हम नॉन लिविंग लिगेंट देखेंगे इनर्ट लिगेंट देखेंगे तो आप ये देखेंगे जैसे जैसे इस नॉन लिविंग लिगेंड का बेसिक नेचर इंक्रीज होता है लिविंग ग्रुप आसानी से रिलीज हो सकता है तो रिएक्शन एस वन के थ्रू होगी और अगर ये एक्स जो है वो विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन आसान होगा इसलिए जो कोऑर्डिनेट है coordinate, जो इंटरमीडिएट है वो सेवन कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनेगा और ये रिएक्शन एस एन के थ्रू होगी ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दी दी

So thank you very much.